नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ये भारत के लिए सबसे निर्णायक क्षण है। अगर भारत सिर्फ बातों में ही सख्ती दिखाता रहेगा और कुछ करेगा नहीं, तो फिर ये देश को आगे उरी जैसे न जाने कितने आतंकवादी हमलों के लिए खुला रास्ता देने वाली बात होगी। इसीलिए पाकिस्तान के उस भ्रम को तोड़ने की बहुत जरूरत है कि चाहे मुंबई हो जाए, पठानकोट हो जाए या फिर उरी में हमला हो जाए, भारत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पाकिस्तान का जवाब देने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। आज खबरदार में हम उन विकल्पों का विश्लेषण करेंगे जिनके जरिए भारत पाकिस्तान से बदला ले सकता है, क्योंकि पूरे देश में गुस्सा है। उरी में शहीद हुए 18 जवानों के परिवारों के बहते आंसुओं को देखकर आक्रोश है और अब यह बर्दाश्त नहीं होता कि शहीद कुर्बानी देते रहे, देश चुप बैठा रहे। पाकिस्तान वालों को करार जवाब मिलना चाहिए, मुझे तो लग रहा है। अभी मुझे ले चलिए और वहाँ उन आतंकियों से मिलाइए और मैं अभी जान से मार दूँगा। ऐसे इनको सबको सिखाना चाहिए, अब बहुत हो रही है, अब बर्दाश्त के लायक नहीं रहा। बस करार जवाब मिलना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए। आँख के बदले आँख, खून के बदले खून। हमारी सेना को स्वतंत्र कर दे, फ्री कर दे, जो कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहाँ पर उनके कैंपों को नेस्त नाबूद कर दे। देश के जवान तो देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आज एक बड़ा सवाल देश के नाते हम पर भी है। क्या हम अपने जवानों के इस बलिदान को सच में सम्मान देते हैं? क्योंकि सम्मान सिर्फ तिरंगे से लिपटे शहीद जवानों को सैल्यूट करना भर नहीं होता, सम्मान सिर्फ शहादत को शब्दों में बयां कर देना भर नहीं होता। सबसे बड़ा सम्मान ये होता है कि बलिदान का बदला लें। पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए क्या चाहिए? सबूत तो सामने है, मारे गए आतंकवादियों के पास से 4 AK-47 मिली, उस पर पाकिस्तान की मुहर। 4 ग्रेनेड लॉन्चर, उस पर पाकिस्तान की मुहर। 39 ग्रेनेड मिले, वो मेड इन पाकिस्तान है। आतंकवादियों की रसद, वो मेड इन पाकिस्तान। दवाइयों के पैकेट, उस पर मेड इन पाक का ठप्पा। कैंडी के पैकेट, वो भी पाकिस्तान में बने हुए। पश्तून भाषा में 2 नक्शे, वो भी पाकिस्तान में तैयार। 2 GPC, 2 रेडियो सेट, उन पर भी पाकिस्तान की मुहर। We have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. सेना ने आज कहा है कि वो बदला लेगी, वक्त और जगह खुद तय करेगी। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के जवानों का लहू बहाया है, 18 जवानों के परिवार बिलख रहे हैं, पूरे देश में गुस्सा है। हम लाचार नहीं दिख सकते, हम बेबस होकर नहीं बैठ सकते। अब जवाब नहीं दिया तो फिर कभी नहीं। पूरे देश में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, नेताओं में आक्रोश है, सरकार में आक्रोश है। वक्त आ गया है, प्रधानमंत्री ने आपको अश्योरेंस दिया है, देश को अश्योरेंस दिया है, कल्प्रिट बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी जिम्मेवार है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अभी जो कदम उठाएंगे वो देख करके उठाएंगे, सब कुछ में को ध्यान में रखते हुए। उसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान क्या बोलता है। अब तो ये बात कोई छिपी हुई नहीं है कि कहाँ से ये सारी शरारत होती है और कहाँ ये षड्यंत्र रचा जाता है। मुझे लगता है इसके ऊपर अभी कोई और अधिक चर्चा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। सरकार जो भी करेगी, जो देश हित में होगा करेगी और उचित रणनीति के अंतर्गत करेगी। ये निर्णायक वक्त है भारत के लिए, क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लाचार और बेबस भारत ही पूरी दुनिया को दिखेगा। खोखले शब्द वक्त के साथ खो जाते हैं, ये फाइट टू फिनिश का वक्त है। इस देश और देश के सरकार ये हिम्मत दिखाने के लिए तैयार है। आज श्रीनगर से लौटकर रक्षा मंत्री सुबह सीधे प्रधानमंत्री से मिले। सुबह 9:15 बजे गृह सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सुबह 10 बजे गृह मंत्री, NSA और आर्मी चीफ की मीटिंग हुई। 11:45 पर PM आवास में हाई लेवल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में गृह मंत्री के साथ वित्त मंत्री भी शामिल थे।
11:45 से लेकर दोपहर करीब 1:30 बजे तक मीटिंग चली। आज तक के सूत्रों के मुताबिक जिन बातों पर प्रधानमंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग में चर्चा का फोकस रहा है, उसमें सुरक्षा बलों के डिफेंस और आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा प्राथमिकता है, सीज फायर उल्लंघन और घुसपैठ होने पर गोलाबारी से जवाब देना, जिन पाकिस्तानी चौकियों से घुसपैठ होती है उन पर गोलाबारी करना, जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा ग्रिड को पुख्ता तौर पर मजबूत करना, पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक और आर्थिक आक्रमण नीति अपनाना, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए त्वरित कदम उठाना, संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंच में पाकिस्तान को आतंकी देश बताना। उरी हमले ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया है। अब पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी है और ये कार्रवाई सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तर पर होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने रसूख और प्रभाव दोनों का इस्तेमाल करेगा ताकि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जा सके। इसके अलावा सेना से भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। आज दिन भर मीटिंग का दौर चलता रहा। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने गए, सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी बात हुई। सवाल यह है कि अपने जवानों के लहू का बदला लेने के लिए भारत क्या करने वाला है। सीधी लड़ाई को छोड़कर विकल्प कम है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं है, कोई वजह नहीं कि भारत बेबस और लाचार दिखे उस पाकिस्तान के खिलाफ जो हर मामले में हमसे कमजोर है, जिसके पास न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। हम आपको पाकिस्तान से बदला लेने के विकल्पों और उनके फायदे, उनकी कमजोरी के बारे में बताते हैं। पहला विकल्प यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार किए बिना पाकिस्तान की फौजी चौकियों पर हमला किया जाए। इसका फायदा यह है कि पाकिस्तान को साफ संदेश मिलेगा, पाक सेना जवाब देगी, उससे निपट लेंगे। कमजोरी लेकिन इसकी यह है कि पहले के हमलों में भी यह किया जाता रहा है, पाकिस्तान की सोच नहीं बदली। दूसरा विकल्प है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकवादी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना। फायदा यह है कि बर्दाश्त करने वाली इमेज टूटेगी, मैसेज जाएगा, जवाब देना भारत जानता है। पर इसमें भी एक कमजोरी है, वो ये कि सर्जिकल स्ट्राइक वाले हमले के बाद युद्ध में जाने के लिए तैयार रहना होगा। तीसरा विकल्प है पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना, आतंकवादियों को उनके तरीके से ही मार गिराना। फायदा यह है कि पाकिस्तान से सीधी लड़ाई के लिए भारतीय सेना को आमने सामने करने से बचेंगे। कमजोरी यह है कि स्थानीय मदद और स्पेशल फोर्सेस की जरूरत होगी, पकड़े जाने की भी आशंका होगी। चौथा विकल्प है पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक और हर तरीके के कारोबारी रिश्ते खत्म कर देना। फायदा यह है कि पाकिस्तान को मैसेज जाएगा, आतंक के साथ बिजनेस और दूसरे मुद्दे नहीं चल सकते। कमजोरी यह है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार न करने के लिए दूसरे देशों पर दबाव डालना जरूरी। पांचवा विकल्प है पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करना, आतंकियों के सिर पर इनाम रखना। फायदा यह है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी देश घोषित करवाने में आगे बढ़ेंगे। कमजोरी यह है कि चीन, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से कहना कि पाकिस्तान को मदद बंद करें। पाकिस्तान को हर तरीके से घेरना होगा, उसे राशन पानी से लेकर हर तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर कर देना होगा। युद्ध ही एकमात्र विकल्प नहीं है, आर्थिक प्रतिबंध काफी कारगर साबित हो सकते हैं। बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान और ईरान तक सब पाकिस्तान से परेशान हैं। इन सब देशों को साथ लेकर पाकिस्तान को अपने ही आतंकी फैक्ट्री में बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान की भारत के लिए 1000 कद्स वाली नीति रही है। अब वो वक्त नहीं है जब इन 1000 कट्स पर 1000 बैंडेजेस लगाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान 1000 जख्म देता है तो उसे दोगुने जख्म देने की सोच के साथ लड़ना होगा, फिर चाहे वो तरीका कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान को तोड़ो मरोड़ो या कुछ भी करो, जब तक उसे दूसरों को लगे जख्मों का एहसास नहीं होगा तब तक पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। आज बलूचिस्तान के नेता ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताया है और कहा है कि वो भारत में शरण लेने के लिए आधिकारिक तौर पर अप्लाई करेंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचकर भागने वाले ब्रामदाग बुगती स्विट्जरलैंड में रहते हैं। उनके दादा नवाब अकबर खान बुगती की पाकिस्तानी सेना ने 2006 में हत्या कर दी थी। बुगती से आज तक ने खास बातचीत की। गवर्नमेंट से अपनी असाइलम का दरख्वास्त करूंगा, तो डेफिनेटली विद इन फ्यू डेज, एज आई सेड इन माय स्टेटमेंट के हम इस पर आज ही से काम करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट एंड वी विल गो टू द इंडियन एम्बेसी टू फॉर्मली आस्क फॉर असाइलम।
जिस हथियार से भी पाकिस्तान को जख्म मिलते हैं, हमें वो सब हथियार चलाने होंगे। अगर चीन के अत्याचार से बचकर भागे दलाई लामा को वर्ष 1959 में भारत शरण दे सकता है और तिब्बत की निर्वासित सरकार को अब तक मान्यता दे सकता है, तो फिर बलूचिस्तान के मामले में भी ऐसा किया जा सकता है। आज पीएम मोदी को भी उनके शब्द याद दिलाने का वक्त है, आज पीएम मोदी को भी फ्लैशबैक में ले जाने का वक्त है, क्योंकि आज बात बस पीएम मोदी की नहीं है, आज बात देश की विश्वसनीयता की है कि एक देश के नाते हम बेबस और लाचार नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है और हिंदुस्तान सर झुका रहा है, ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। पाकिस्तान आकर के मेरे सेना के जवानों का सर काट ले और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराएं, ये नीच राजनीति है कि नहीं, ये नीच राजनीति है कि नहीं है। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। और ये हिम्मत कैसे करें, पाकिस्तान ने हमला बोला, आतंकवादियों को भेजा, 26/11 करके मुंबई में निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया, पाकिस्तान गुनहगार है। पाकिस्तान की ये हरकतें, ये इसलिए पाकिस्तान है क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम नहीं है। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें और वार्ता करते रहें, ये तो नहीं होगा। कम से कम एक तरह की प्रतिक्रिया तो हम दें। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी पूरी तरह से विफल है। छोटे छोटे देश हमको आंख दिखा रहे हैं, यह हमारी हुकूमत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जिस तरीके से प्रभावी विरोध दर्ज कराना चाहिए वो प्रभावी विरोध भी दर्ज नहीं करा पा रही है। मुझे लगता है कि आज भारत के विदेश मंत्री को इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लंच खिलाने में मसरूफ थे, उस वक्त भी पाकिस्तान भारत को एक वीक नेशन के रूप में देख रहा था। आज वो शब्द रह रहकर सामने आ रहे हैं जो पीएम मोदी ने कभी पाकिस्तान पर कहे थे, जो पीएम मोदी के साथियों ने कभी पाकिस्तान के बारे में कहे थे। सवाल राजनीति के भरोसे का नहीं है, सवाल पीएम मोदी के भरोसे का भी नहीं है, सवाल देश के करोड़ों लोगों के विश्वास का है, सवाल देश के नाते भारत की विश्वसनीयता का है, क्योंकि अब कुछ नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। आज दांव पर भारत की साख लगी है कि वो पाकिस्तान के बार बार के जख्मों पर शब्दों के हेर फेर से चुप हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा करेगा जो दुश्मन को वही जख्म देंगे जिन जख्मों की पीड़ा से पूरा देश गुजर रहा है। आज तक ब्यूरो। सुन हमला देश के ऊपर, बंदूक उठा चल देता हूं, मौत का गम है किसको, मैं खून धारा को देता हूं। एक सैनिक शहादत को बेहद सम्मान के भाव से देखता है। भारत माता की रक्षा की खातिर सैनिक अपना खून बहाने का कोई मौका नहीं गंवाते। लेकिन आज देश पूछ रहा है आखिर कब तक आतंकवाद के हाथों अपने वीर सैनिकों को खोते रहेंगे हम, आखिर कब तक सैनिकों की शहादत पर रोएगी भारत में। अपनी ड्यूटी के दौरान उरी आतंकवादी हमले में शहीद हुए 18 जवानों की शहादत पर देश को गर्व तो है, लेकिन दुश्मन देश के आतंकवादी मंसूबों को हमारा देश कब तक बर्दाश्त करेगा। इतने काबिल और होनहार सैनिकों को खोना उनके परिवारों के लिए ही नहीं समूचे देश के लिए नुकसान है जिसकी भरपाई की ही नहीं जा सकती। अंदाजा लगाइए उस पीड़ा का, उस दर्द का, जब शहीदों की खबरें उनके घर पहुंची होंगी, और फिर देखिए उन परिवारों का हाल जिनके अपने उरी में शहीद हुए। बार बार हमेशा हमारे देश में यही होता है, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है। बदला लेना चाहिए जिस तरह हमारे आदमी को मारे उसी तरह।
वहां भी बदला लेना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए पूरा पाकिस्तान। आखिर कब तक सैनिकों की शहादत पर सिर्फ बातें बनाई जाएंगी? आखिर हर बार सैनिकों का परिवार ही क्यों रोता है? उरी के आतंकी हमले में शहीद नायक एस के विद्यार्थी की खबर बिहार के गया में उनके घर पहुंची तो पूरे घर में दिल चीर देने वाली चीखें उठने लगी। बूढ़ी माँ, पत्नी, चार बच्चे, इन सब को छोड़कर शहीद नायक एके विद्यार्थी देश पर कुर्बान हो गए। परिवार को उनकी शहादत पर गर्व है, लेकिन बदले की आग से दिल धधक रहा है। अपने पापा पे गर्व हो रहा है क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं बल्कि एक शहीद हुए हैं, आर्मी में थे और वो भी देश के लिए मरे। जैसे कि उन लोग हम लोग के देश पर अटैक करते हैं अचानक, वैसे हम लोग को भी करना चाहिए, तभी पाकिस्तान सुधरेगा। ऐसे नहीं उन लोग सुधरने वाले, जैसे उन लोग कर रहे हैं तो उन लोग ईंट, मतलब कि ईंट का जवाब पत्थर से उन्हें देना चाहिए, बदला लेना चाहिए। जिस तरह हमारे आदमी को मारे उसी तरह वहाँ भी बदला लेना चाहिए। बिहार के कैमूर में बड्डा गांव का बेटा राकेश सिंह उरी आतंकी अटैक में शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर ने उनके घर को तोड़कर रख दिया। बूढ़े पिता अपने शहीद बेटे की फोटो को हाथों में लिए सदमा बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा भाई अपने छोटे भाई की शहादत का बदला लेने की कसम खा रहा है। भाई मेरा कुर्बान हो रहा है देश के लिए, हम भी लोग को मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे देश के लिए। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कुछ ना हम करे जवा का हमारे टुकड़ा हम शांत रह, शांत रह। ये भैया गोधरिया कथे हमके लेना चला जा भैया। बिहार के आरा जिले में उरी हमले के शहीद जवान अशोक सिंह की खबर सुनने के बाद से पत्नी के आंसू चीख पुकार के साथ बहते जा रहे हैं। शहीद अशोक कुमार के बड़े भाई 1989 में एक आतंकी हमले में शहीद हुए। दो बेटों की शहादत के बाद मां टूट गई। शहीद अशोक कुमार का बड़ा बेटा भी सेना में है और छोटा बेटा भी अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सेना में जाना चाहता है। बहुत दुख हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मैं भी भारतीय के आर्मी में पापा का बदला लूँ। पिता से कुछ मांग करते हैं आप? सरकार से मांग के बदला लेना चाहिए उनको। बार बार हमेशा हमारे देश में यही होता है लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है। सरकार एकदम विफल है, सरकार कुछ कार्रवाई नहीं किया। अगर सरकार कार्रवाई किया होता तो ऐसे नहीं होता। बहुत पहले भी घटना हो चुका है, पहले से सतर्क रहता सरकार तो इतना घटना नहीं होता। अभी तो हमारी पलटन नया गई थी, हमारे पति को जगह तक को मालूम नहीं है। अभी उनको दो दिन गए हुए थे वहाँ पे, अभी उन्होंने चार्ज भी नहीं लिया है। डोगरा से चार्ज लेना था, अभी उन्होंने चार्ज भी नहीं लिया है। हमारे फौजी का क्या दोष है? वो तो जानता भी नहीं है कि इलाका किधर से किधर। उरी में देश के नाम अपनी जान कुर्बान करने वाले जांबाजों में झारखंड के भी दो लाल हैं। खूंटी के मुरहू इलाके के जावरा मुंडा इन शहीदों में एक है, जबकि दूसरे शहीद का नाम सिपाही नायमन कुजूर है जो गुमला से है। उनकी शहादत से उनके गांव पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। हर किसी की आंखों में आंसू है और दिल में पाकिस्तान से बदले की आग। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सीमा पर जवाब होना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए। सीमा पर जवाब होना चाहिए और जो इससे मेरे पति के साथ किया है उसके साथ भी दोगुना इससे होना चाहिए। बिहार और झारखंड के पांच वीर सपूत उरी में पाकिस्तान के आतंकवादी मंसूबों का शिकार बन गए और भारत माता के चरणों में वीर गति को प्राप्त हुए। उनके परिवारों को गर्व है कि वो एक शहीद का परिवार है, लेकिन उनकी शहादत को सम्मान तभी मिलेगा जब पाकिस्तान से इन शहादतों का हिसाब चुकता किया जाएगा, तभी उनके ये आंसू सूखेंगे। भाई को बदला लेना चाहिए, पर लड़ाई हो जानी चाहिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान के साथ खत्म कर देना चाहिए। आज तक ब्यूरो।
उरी हमले में शहीद हुए 18 जवानों में 4 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 महाराष्ट्र, 2 झारखंड, 2 पश्चिम बंगाल, 1 राजस्थान के थे। घायल हुए जवान भी देश के अलग अलग राज्यों से हैं। शहीदों के नाम अलग हैं, चेहरे अलग हैं, लेकिन उनकी शहादत पर आंसुओं का सैलाब एक जैसा है। हर शहीद का परिवार उनकी शहादत पर गर्व कर रहा है, लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं के साथ बदले की आग भी है। उरी आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के 4 सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनमें से एक थे सिपाही गणेश शंकर यादव। शहीद गणेश शंकर की पत्नी अपने पति की मौत पर इतने गहरे सदमे में हैं कि किसी को उन्हें संभालने की हिम्मत नहीं हो रही। 34 साल के गणेश 3 बच्चों के पिता थे, जो अब अपने पिता की शहादत पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सैनिक गणेश शंकर की शहादत पर पूरा संत कबीर नगर गमगीन है। और तो बहुत गमगीन है गांव का, क्योंकि हमारे गांव के ही बहुत होनहार थे गणेश शंकर जो है यादव थे। देवी दिन स्वर्गीय देवी दिन के बच्चे थे, लड़के थे, और 10 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। अभी पिछले 2 दिन पहले जो है जो हमला हुआ है उसमें जो है ये शहीद हो गए। ये लहर सुनकर जो है पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। छोटी बहन है जो भी शादी करनी है, 3 बच्चे पीछे छोड़ गए हैं। उम्मीदें तो इनसे बहुत ही परिवार का था, ये देश के लिए शहीद हो गए हैं। ये सब जो है जिम्मेदारी इनके ऊपर बहुत थी। गाजीपुर के हरेंद्र यादव, जौनपुर के राकेश कुमार सिंह और बलिया के आरके यादव उरी हमले में शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के सपूतों की शहादत पर पूरा उत्तर प्रदेश रो रहा है और सवाल पूछ रहा है, आखिर सैनिकों की शहादत कब तक। उरी आतंकवादी हमले में शहीद हुए 18 जवानों में 4 महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अमरावती के सिपाही जानराव शहीद हुए। बूढ़े माँ बाप को समझ नहीं आ रहा कि बेटे की शहादत पर आंसू बहाएं या गर्व का इजहार करें। सतारा जिले के मान तहसील में जासी गांव के सपूत शहीद जवान चंद्रकांत शंकर गलांडे की शहादत की खबर से परिवार में मातम पसरा है। शहीद चंद्रकांत के और भी 2 भाई सेना में हैं। शहीद चंद्रकांत देश की खातिर अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर चले गए। महाराष्ट्र के नासिक का ये घर कुछ दिन बाद शादी की शहनाइयों से गूंजने वाला था, लेकिन घर का बेटा शहीद हो गया। अब इस घर में मातम की आवाजें हैं। नासिक के सिपाही संदीप सोमनाथ थोक 2014 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे। तब घर में खुशियां मनाई गई थी, लेकिन अब पूरा घर गहरे सपने में। हाउस होती जाईस होने चांगल काम कर। देश के 18 जवानों की शहादत से पूरा देश दुखी है। दुख इस बात का भी है कि जिन जवानों के कंधों पर देश की सुरक्षा का भार है, उन जवानों की जान को सुरक्षा देने में हम नाकाम हो रहे हैं। उरी आतंकवादी हमले में शहीद होने वाले 2 सैनिक जम्मू के थे, जिनके पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचे तो उनकी शहादत को सलाम करने आए हजारों लोग जमा थे, और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, शहीदों की कुर्बानी का बदला कब लेगा हिंदुस्तान। जम्मू के शिपचुक गांव के सपूत कर्नैल सिंह उरी हमले में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो पूरा गांव सदमे में था। दूर दूर से लोग शहीद कर्नैल सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। आंखों में आंसू थे, दिल में देशभक्ति का जज्बा। कर्नैल सिंह की शहादत की खबर उनके गाँव पहुंची तो पूरा गाँव इस दुख के समय उनके घर पहुंचा। पूरे गांव में किसी ने रोटी नहीं बनाई। उनके अंतिम संस्कार पर सेना के जवानों के साथ साथ पूरा गांव मौजूद था। शहीद कर्नैल सिंह की ही तरह जम्मू के सांबा सेक्टर के हवलदार रवि पॉल ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी।
जब से उनकी शहादत की खबर आई है उनके घर पर गांव वालों का तांता लगा हुआ है। लोग इस शहादत को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 43 साल के रवि पॉल 23 साल से सेना में थे। एक साल पहले इन्होंने अपने बच्चों को सेटल कर दिया वहाँ पठानकोट में कि मैं पठानकोट में आ रहा हूँ, मेरे बच्चे वहीं पढ़ेंगे। अब देखो आपके सामने क्या फील करें, जिसका बच्चा चल जाए क्या फील करेंगे। आप अपने भाई पे कितना गर्व करते हैं? बहुत गर्व करते हैं सर, बहुत गर्व करते हैं हम। हमारे भाव कह रहा हूँ कि 4-5 भाई और हों, देश के ऊपर शहीद हो जाए सर। दुख तो हमें है, ऐसी बात नहीं। 17 गए हैं, खबरों में सुन रहे हूँ, हमारे जैसे ही बच्चे थे वो भी, जैसे हमारा बच्चा था वैसे उनके हैं। इन शहीदों के तिरंगे में लिपटे शव देखिए, बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू देखिए, शहीदों की विधवाओं की चीखें सुनिए। आपको सिर्फ एक ही गुहार सुनाई देगी, एक ही सवाल सुनाई देगा, आखिर ऐसी शहादतें कब तक।